अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और ठहरे से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से कुछ है। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये है चिकन ग्रेवी है। ये ग्रीन कलर की है ये, और ये मावे से बनाई हूँ मैंने। मैं तो वैसा अलग अलग टाइप से बनाती हूँ सालन, आपको वैसा ही बताती हूँ। कोरमा है, ग्रीन कोरमा है। मम्मी ने उनके यूट्यूब चैनल पे इससे पहले भी ग्रीन कोरमे की रेसिपी शेयर की है, लेकिन हर बार जो है मम्मी अलग अलग टाइप से रेसिपी ट्राई करते हैं। तो ये वाला जो ग्रीन कोरमा है इसमें मम्मी ने जो है मावे का यूज़ किए है, जो मावा होता है वो, और इसमें मिल्क गया हुआ है और साथ ही साथ इसमें कैशनट भी है। तो बहुत ही शाही रेसिपी थी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई किएगा। तो इसके बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये तीन प्याज है, तीन प्याज को अच्छी तरह से इसमें सोते कर लेने का। सबसे पहले मम्मी ने 3 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे और उसे मोटा मोटा सा कट कर लिए थे, थिकली स्लाइस्ड कट कर लेना है। और फिर उसे एक कुकर में या पैन में डाल के आप इसे सोते कर लेना। इतना सोते करना है कि ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, ना ही हमें क्रिस्पी करना है, बस ये सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। हाँ, ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से बनना चाहिए। तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी, थोड़ा मिठासपन आ जाता है ग्रेवी में, थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छापन लगता है, स्वीटनेस आ जाता है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए अनियन फ्राई। और अभी जो है मम्मी इसे डिश आउट कर लेंगे, एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हाफ़ थोड़ी सी वाइट है, हाफ़ ट्रांसपेरेंट है, हाफ़ थोड़ी गोल्डन हुई है, तो बिल्कुल इस तरीके से ही आपने भी करना है। और फिर इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना और एक फाइन पेस्ट बना लेना। हाँ, मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से पीस लेना। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको इसी तरीके से, प्याज ज़रा ठंडी हो जाएगी ना तो फिर उसको पीस लेना मिक्सर में। अनियन का पेस्ट बनाने के बाद मम्मी जो है सेम वही जार में बाकी की चीज़ें भी ग्राइंड कर लेंगे, जो इसमें हरा मसाला जाएगा वो, और जो वाइट ग्रेवी जाएगी वो। तो ये देखिए अनियन का पेस्ट बन के रेडी है। सभी अनियन को मम्मी ने जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिए थे और ये इस तरीके से थिक पेस्ट बन जाएगा। हाँ, इस तरीके से पेस्ट बन जाएगा। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने काजू भिगा के रखी थी पानी में 10-15 मिनट। अगर काजू को भिगा के रखे तो उसका पेस्ट अच्छा बनता है। ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जितने कैशू नट है और इसमें जो है 3-4 टेबल स्पून जितना मम्मी ने पानी डाले है, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना। इतना ग्राइंड करना है कि एकदम फाइन पेस्ट हो जाए, बारीक सा पीसा जाए। हाँ। और उसके बाद इसमें जाएगा, ये मावा डाल रही हूँ मैं, मावा इसके अंदर पीस लूँगी मैं। पीसने से क्या होता है, ये सेम क्वांटिटी में पीसे जाता है। और फिर इसमें ये दूध डाली हूँ मैंने, 2 चम्मच के करीब दूध है, नॉर्मल दूध आता वो है। और फिर इसको अच्छे से मैंने सब पीस ली थी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, आप ये देखो, ये मैं बता रही हूँ इस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से ग्राइंड कर लेना कि एकदम फाइन ग्राइंड हो जाना चाहिए। और ये मैंने 4 हरी मिर्ची, कड़ी लिप्स, और ये पुदीना, ये हरा मसाला, कोथमीर, ये सब डाल के मैंने पीस ली। ये अदरक लहसुन मेरे पास पीसा हुआ रहता है हमेशा, वही डाल दी मैं, पीस के रखती हूँ एक एक महीने का फ्रिज में। तो ये सब मसाले मिला के मैंने हरा मसाला भी पीस ली उसी मिक्सी में, ये देखो इसी तरीके से। फिर मैंने जो कुकर लिया था जिसमें मैंने प्याज सौते कर ली थी, उसी में मैंने तेल डाला है 2 चम्मच, और ये फिर पूरे गरम मसाले डाल दूँ। गरम मसाले में जो आप देख रहे हैं, चक्री फूल है, 2 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच जीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4-5 काली मिर्ची है। ये पूरे गरम मसाले डाल देने का इसके अंदर, ताकि तेल में अच्छे से खुशबू आ जाए।
तो ये देखिए गरम मसाले अच्छे तरीके से सिजल हो गए। अभी जो है मम्मी इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन में हमने बोनफुल चिकन लिए थे, जो हड्डी वाली होती है वो, और चिकन की जो क्वांटिटी थी ये तकरीबन हाफ केजी थी, 500 ग्राम्स जितनी चिकन मम्मी ने ले लिए थे। इसमें गया है सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक इसलिए मम्मी ने स्टार्टिंग में डाले ताकि अच्छी तरीके से चिकन में भी लग जाए, और चिकन को अच्छे से नमक लगता है तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है खाने में। और फिर मैंने हरा मसाला डाल दी थी जो हमने पीस लिया था। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली ताकि इसमें अच्छे से कलर भी आ जाए और खुशबू भी आ जाए। और ये 1 चम्मच है धनिया पाउडर, ये गरम मसाला 1/2 चम्मच डाली हूँ पाउडर। वैसा तो मैंने अखा गरम मसाला डाली हूँ, फिर भी खुशबू के लिए 1/2 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाली। और फिर इसको अच्छे से भून लेना। दो से तीन मिनट तक का आप लोग सौते कर लेना, और फिर उसके बाद इसमें जाएगा वो हमारी पीसी हुई ग्रेवी, प्याज की ग्रेवी रहती वो, और जो हमने पीसा हुआ मसाला किए थे काजू की ग्रेवी, और वो डाल देना। नेक्स्ट इसमें जाएगा आलू, और आलू को जो है मम्मी ने 2 से 3 इसमें कट कर लिए थे। इस तरीके से कट करके मैंने अंदर डाल दी थी क्योंकि हमारे घर में आलू बहुत शौक से खाते हैं। आपको चाहिए तो आप डालिए, नहीं चाहिए तो 2 से 3 पीस में कट कर लेना आलू को भी, और उसके बाद इसे मसाले में डाल के अच्छी तरीके से सौते कर लेना ताकि सब चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो मम्मी इसमें डालेगी अनियन का पेस्ट, जो प्याज का पेस्ट बनाए थे वो, पहले है वो प्याज का पेस्ट डाली हूँ मैंने हरे मसाले के बाद, उसके बाद मैंने काजू और जो मावा था वो पीसी थी मैंने, वो डाली हूँ, वो लास्ट में डालते हैं ताकि उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। ये देखो इसी तरीके से मिला के फिर इसकी 2 सीटी ले लूँगी मैं, उसके बाद वो फिर डालूँगी जो मावा का और काजू का पेस्ट पीसी थी वो डाल दूँगी। फिर उसको कुकर का ढक्कन लगा के 1-2 सीटी ले लेते हैं। ये देखो इस तरीके से बन जाना चाहिए, इसी तरीके से ग्रेवी बन जाना चाहिए, बहुत टेस्टी रहती है। ये वो पेस्ट है जो हमने दूध के साथ पीसा था, काजू है और मावा है, ये लास्ट में डालते हैं। दो से तीन सीटी आने के बाद जो है चिकन भी अच्छी तरीके से गल गई थी, पक गई थी, और आलू भी अच्छी तरीके से पक गए थे। उसके बाद जो मम्मी ने एंड में ये काजू और मावा और जो मिल्क वाला जो पेस्ट था वो डाल दिए थे, और मैंने आलू भी देखा था, आलू नहीं गला है वो, अभी 1 सीटी आने के बाद फिर गल जाएगा। 50-60% गल चुका था, और 40% जो है वाइट पेस्ट डाल के 2 सीटी ले लेना तो वो 100% कम्प्लीटली पक जाएगा। तो देखो इसी तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये ग्रेवी बनके कम्प्लीटली रेडी है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, इस तरीके से ग्रेवी दिखना चाहिए। ये दिखने में भी अच्छी थी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी, तो आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सेम बिल्कुल इस तरीके से बनना चाहिए। एंड में मम्मी ने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दिए थे, हरे धनिए से इसे गार्निश कर लिए थे, और अभी जो मम्मी से डिश आउट कर रही है। देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बनी हुई है, इसी तरीके से ग्रेवी बनना चाहिए, देखो मैं बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं मेरी आज की ये रेसिपी को यही एंड करती हूँ। होप सो आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करना।
अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, जज़ाकअल्लाह।